मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? मैंने तो आप सुन ही नहीं रहे हैं। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? पहले मेरा सवाल बताइए। सवाल ये मैं जो आर्गुमेंट पहले मेरा सवाल का उत्तर दीजिए आप। मैं आर्गुमेंट कर रहा हूँ उसको आप पहले सुने। आर्गुमेंट सुने हम नहीं सुनेंगे आपका आर्गुमेंट। आप सवाल का उत्तर देंगे जब तक नहीं सुनेंगे। मैंने आपसे सवाल पूछा इस बड़ा देव भगवान से जुड़ी हुई क्या मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं को किसी कथा के करने से कैसे ठेस पहुंचेगी। अब आपका हिंदी में भी बता दिया सवाल, अंग्रेजी में भी बता दिया, उसका उत्तर दीजिए पहले। माय लॉर्ड, उस जगह के अलावा अन्य दूसरे स्थान पे अगर कराया जाए तो कोई विरोध नहीं है वहाँ। अरे पहले हमारे आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। हु आर यू टू डिसाइड कि कौन से स्थान पर होगा कौन से स्थान पर नहीं होगा। पहले आपको ये तो बताना पड़ेगा क्या मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं का किस प्रकार से कुठाराघात होगा, उन मान्यताओं पर उन मान्यताओं का हनन होगा, अपमान होगा, ये तो समझाइए आप हमको। ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान, वही तो बता रहा हूँ, आप समझने को तैयार नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है, ये मान्यताओं का उत्तर है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान, प्लीज कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है वो बता रहा हूँ मैं। नहीं, यू टॉक टू टॉक प्रॉपर्ली। आप ये मान्यता, ये आदिवासियों की मान्यता है कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दी है, पढ़ के बताइए। बता रहा हूँ ना। हाँ बताइए। हाँ, आप सुनने को तैयार है नहीं है, कुछ भी बोले जा रहे हैं जबरदस्त। अरे लेट नोटिसेस बी इशूड फॉर कंटेम्प्ट अगेंस्ट दी काउंसिल। शुभ नाम बताइए आपका। माय लॉर्ड, मैं बता नहीं, फर्स्ट आपको हम कंटेम्प्ट का नोटिस जारी कर रहे हैं, उसका जवाब दीजिएगा आप। आपको हाई कोर्ट में बहस करने का तरीका नहीं मालूम है। इशू नोटिस अगेंस्ट दी पिटिशनर काउंसिल श्री, आपका शुभ नाम बताइए। आर्टिकल 51 में प्रावधान है, वो मैं बता रहा हूँ। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? पहले तो आप सुन ही नहीं रहे हैं। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? पहले मेरा सवाल बताइए। सवाल ये मैं जो आर्गुमेंट, पहले मेरा सवाल का उत्तर दीजिए आप। मैं आर्गुमेंट कर रहा हूँ उसको आप पहले सुने। आर्गुमेंट सुने हम नहीं सुनेंगे आपका आर्गुमेंट। आप सवाल का उत्तर देंगे जब तक नहीं सुनेंगे। और इस तरीके से अगर आप बहस करेंगे तो अब आप दूसरा सवाल सुनिए, उसका उत्तर दीजिए पहले, फिर संविधान पढ़ेंगे। ये सर्व आदिवासी समाज कौन है और किसने ऑथराइज किया है आपको ये फाइल पिटीशन फाइल करने के लिए? कहाँ ऑथराइजेशन, पहले ऑथराइजेशन बताइए पिटीशन फाइल करने के लिए। और जरा भी उल्टी सीधी बहस करी यहीं से जेल भेजूंगा मैं, माइंड यू, सारी वकालत खत्म हो जाएगी, समझ गए? तजीब से बात करना सीखो। पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए, दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहले बताइए किसने ऑथराइज किया आपको ये पिटीशन लगाने के लिए? सर्वे आदिवासी। ये बदतमीजी करना भूल जाओगे सारी। ये बताइए सर्व आदि समाज, आदिवासी समाज का ऑथराइजेशन कहाँ है पिटीशन फाइल करने के लिए? तुम लोगों ने ये सोच लिया है कि बदतमीजी करके आरपी कलेक्ट कर लोगे। तुम ये भूल जाते हो कि जिस दिन हमने जेल भेज दिया उस दिन सारी वकालत बंद हो जाएगी। यू शुड बी सॉरी। तुम लोगों को सिखा के भेजा जाता है कि बदतमीजी करो। प्रश्न का उत्तर नहीं दो और बदतमीजी करोगे और फिर बोलते हो आप सुन नहीं रहे। हम पिटीशन पढ़ के आते हैं, हमें मालूम है क्या सवाल पूछना है। क्या नाम है आपका? जीएस उद्दे। जी जीएस उद्दे। कितने साल से वकालत कर रहे हो? 2007-08। हाई कोर्ट में कब से हो? 7-8 से। हाँ तो तुम्हें वकालत करने का सिखाया नहीं कि कैसे कोर्ट से बात की जाती है? So make a sweet eye. So I'll dream until I make a real.